फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराज 24 न्यूज में। पूजा, फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार पर बरसे पायलट, कहा पुलिस के दम पर भाजपा हमारी आवाज दबा नहीं सकती। घर के कामों को लेकर दो सगी नाबालिग बहनों के बीच झगड़ा, दोनों ने खाया जहर, एक की मौत। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाने के जनता नगर कॉलोनी का मामला, शीतल और शिवानी नाम की बहनों ने उठाया आत्मघाती कदम। बड़ी बहन शीतल की हुई मौत, डिवाइडर से टकराकर पलटा टैंकर, चालक की मौत। गांधीनगर थाना इलाके में हुई घटना, चालक को अचानक झपकी लगना बना दुर्घटना का कारण। चालक हेमंत उर्फ बबलू नागले की हुई मौत। बैरागढ़ के चंचल चौराहे पर आइसक्रीम की दुकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। गुरुवार सुबह हुई आग की घटना, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां, कारण अज्ञात। ग्वालियर में 188 संदिग्ध रोगियों की जांच में 52 मिले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी। मध्य प्रदेश में सूख रहे पेट्रोल पंप, डीजल की कमी किसानों के लिए बड़ा सर दर्द। बोनी करने वाले किसानों के सामने खड़ा हुआ है संकट। मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश के लिए थोड़ा और करना पड़ेगा इंतजार। अरब सागर से आगे बढ़ा मानसून, बुधवार को लगभग प्रदेश के महाराष्ट्र से लगी सीमा नंदुरबार तक पहुंचा। दिल्ली के बदरपुर खान सब्जी मंडी इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने सब्जी मंडी में भीड़ को मारी टक्कर, 5 घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। खंडवा में किराने की दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में एक की मौत। खंडवा के मोदी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग में रहने वाले 5 लोग दबे, घायलों को मलबे से निकाल कर पहुंचाया गया अस्पताल। आगरा में चला बड़ा हादसा, 30 फीट नीचे गिरी यात्रियों की बड़ी बस, चालक की सूझबूझ से बची 45 सवारियों की जान। खेड़िया पुल पर बस का स्टेयरिंग फेल होने से हुई घटना। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में स्कूल बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, कई छात्र घायल। बस दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुगल रोड पर दुर्जनपुर पर पलटी, घायल रूप से जख्मी एक छात्र को श्रीनगर के SMSS अस्पताल में किया गया रेफर। कायाकल्प की राह नहीं है आसान, विश्व स्तरीय मेकओवर के लिए सरकार ने कसी कमर। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के बाजारों पर शुरू करने वाली है अभियान। जिन 5 बाजारों का कायाकल्प करने के लिए चुना गया उनमें कमला नगर, कीर्ति नगर और खारी बावली है शामिल। जुमे की नमाज से पहले दिल्ली से आया करोड़ों मुस्लिमों के लिए बड़ा संदेश। दिल्ली से जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने देशवासियों का किया आह्वान, ऐसे तत्वों पर बनाए रखे नजर जो मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अशरफ मदनी व महमूद मदनी के साथ ही तौकीर रजा खान जैसे नेताओं के नाम के लिए बगैर उन्होंने कहा कि ऐसे चंद लोग हैं जो कौम को बर्बादी की राह पर ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, नागपुर में अब हुआ केस दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर नागपुर में पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिस दौरान कांग्रेस की नागपुर इकाई के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना। धर्मगुरुओं ने कलेक्टर को दिलाया भरोसा, शांति के लिए करेंगे सहयोग। हंसराज जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बैठक के दौरान धर्मगुरुओं से भाईचारा एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 3 दिनों तक की पूछताछ, जिसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इंडियन फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा राहुल गांधी को करना चाहिए गिरफ्तार। मैनपुरी में जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव की घटनाओं से पुलिस ने लिया सबक, जुमे की नमाज के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक हरकत ना हो जिसके लिए तैयारी में प्रशासन जुटा। जुमे से पहले पुलिस का खुफिया तंत्र हुआ सजग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हिंदू पलायन को मजबूर, बेच रहे घर, बताया महादेवी टोला में घरों पर मुस्लिम करते हैं पत्थरबाजी। नहीं रहे साहित्य अकादमी से सम्मानित उर्दू के मशहूर साहित्यकार गोपी चंद नारंग, US में हुआ निधन। 91 वर्षीय नारंग ने अमेरिका में ली अंतिम सांस। चिंतामन किताबों के रचयिता गोपी चंद नारंग को पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से किया गया था अलंकृत। पश्चिम बंगाल में पत्नी छोड़कर गई तो बेटे की हत्या कर शख्स ने कर ली खुदकुशी, बंद कमरे से पिता और बेटे का मिला शव, मचा हड़कंप। मृतक सतीश मजूमदार ने 8 साल के बच्चे की हत्या करने के बाद उठाया आत्मघाती कदम। महाराष्ट्र के पुणे से चौंका देने वाली खबर, अवैध संबंधों के चलते 5 लोगों ने मिलकर एक युवक को उतारा मौत के घाट। बहन से था अवैध संबंध, हाथ पैर बांध कर भाई ने नदी में फेंका टेम्पो ड्राइवर का शव। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में हैवानियत का शिकार हुई 3 साल की मासूम बच्ची, मेरठ में उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में दर्ज किया मामला। मुबोला चाचा राजीव उर्फ बट्टा अपने साथ मंदिर ले गया, जहां आरोपी राजीव और उसके दोस्त सुरेंद्र उर्फ सोनी ने जंगल में ले जाकर मासूम के साथ की थी हैवानियत।
राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत। राजस्थान के एक जिले से 57 पेट्रोल पंपों पर लगा ताला। प्रदेश में 80% निजी पंप हुए बंद। शनिवार तक हालात ठीक होने के आसार। कांग्रेस का आज हल्ला बोल, देश भर में करेंगे राजभवन का घेराव। बनाई जाएगी रणनीति। नेशनल हेराल्ड केस में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे हुई पूछताछ में ईडी ने अब एक बार फिर से शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया। भाजपा की जगह कांग्रेस प्रत्याशी को दे दिया वोट। पार्टी ने अपनी विधायक शोभा रानी को निकाला। हाल में ही संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली धौलपुर की भाजपा विधायक शोभा रानी को पार्टी से दिखाया गया बाहर का रास्ता। और पारिवारिक कलह के चलते बीए की छात्रा ने की आत्महत्या। कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला शव। परिवार में मचा हड़कंप। मैनपुर के कुसमरा चौकी क्षेत्र का मामला। वैशाली से सनसनीखेज मामला आया सामने। क्षतिग्रस्त कार को चलाते हुए शव लेकर जा रहा था युवक। लोगों को देखा तो बीच सड़क पर छोड़कर हुआ फरार। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस जांच में जुटी। मृतक युवक की पहचान वैशाली थाना क्षेत्र के हुसैना राघव निवासी संकेत कुमार के रूप में हुई। प्रयागराज में छेड़खानी का केस दर्ज होने पर युवक के फंदे पर लटक कर की आत्महत्या। परिजनों ने किया सड़क जाम। लालचंद उर्फ गुड्डू सोनकर ने की खुदकुशी। परिजनों ने चकिया राजरूपपुर मार्ग पर किया जाम। छिंदवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा। बारातियों को लेकर जा रही गाड़ी कुएं में गिरी, सास की मौत। जिले के खेड़ा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। मरने वालों में एक बच्चा भी है शामिल। भाजीपानी गांव गई थी बारात। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में सैकड़ों अभ्यर्थी सड़कों पर। कई जिलों में सेना की नई भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ उग्र हुए अभ्यर्थी। बिहार के नागदा में भाजपा कार्यालय को फूंका। ट्रेनों में लगाई आग। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जहां तहां रुकी है जनशताब्दी आम्रपाली समेत कई ट्रेनें। उत्तर प्रदेश के देवरिया से हैरान करने वाला मामला सामने। बारात में डांसर के साथ ठुमके लगाते समय स्टंट करना पड़ा। बुजुर्ग को महंगा। गिरने से मौके पर ही हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भीषण सड़क हादसा। कार के उड़े पर खच्चे। कप्तानगंज थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित वाहन से टकराई। हादसे में मारे जाने वाले लोग गोरखपुर के पादरी बाजार के रहने वाले। सीएम योगी ने घटना में जताया शोक। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के साथ मिल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बच्चे का इलाज करा। घर लौटते बाइक सवार दंपति को कुचला। पत्नी की मौत, दो घायल। मुरैना में बुधवार को लघु लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर चंबल नहर में पलटी। 2 लोगों की मौत, 20 घायल। घायलों को मुरैना अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के खिलाफ भारी विरोध। डिफेंस एक्सपर्ट ने भी उठाया सवाल। दशकों से चली आ रही पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बीते मंगलवार 14 जून को किए गए थे बदलाव। रक्षा विशेषज्ञ सेना में भर्ती का सही विकल्प नहीं मानते। कहा योजना जांची परखी नहीं, सीधे कराया जा रहा है कार्यान्वयन। और रांची में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर पर भड़की है हेमंत सरकार। रांची के एसएसपी से मांगा जवाब, बताया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। 14 जून को शहर में कई जगहों पर 33 पत्थरबाजों की तस्वीर वाले लगाए गए थे पोस्टर। और सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन को DCGI से मिली मंजूरी। अपनी तरह की पहली मेडिसिन जो पूर्ण रूप से है स्वदेशी। 9 से 26 वर्ष की उम्र के सर्वाइकल कैंसर रोगियों के लिए बाजार में वैक्सीन की बिक्री की सिफारिश। साल के अंत तक हो सकती है लॉन्च। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।